कल तो एक माँ घर में रहती है तो उसको पालना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर 90-91 अगर माएँ हैं और यदि कोई धरती पुत्र उसको पाल रहे हैं तो ये आपके मुंह पर सबसे बड़ा करारा जवाब है। आप किसी का विरोध ना करके इस गौशाला में अपना जो सेवा है, अपना जो भाव है, वो यहाँ पर अपना प्रदर्शित करें। नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, इस वक्त हम श्री कृष्ण गौशाला झाझा में एक बार फिर आ पहुंचे हैं और लगभग 8 महीने के करीब इस गौशाला को हो चुके हैं जीर्णोद्धार हुए। और आपको बता दें कि पूर्व थानाध्यक्ष राजेश शरण ने अपनी मानवीय पहल का ऐतिहासिक उदाहरण इस गौशाला के लिए पेश किया था। साथ ही साथ जब से यहाँ पर गाय आई है तब से लेकर अब तक सोनू बर्णवाल, जो कि बिहार खुदरा विक्रेता संघ के एक्स मंत्री है, उनके नेतृत्व में उनके तमाम जो टीम है, उन टीम की मदद से, उस टीम की पूरी भागीदारी से आज गौशाला जो है पूरी तरीके से जगमगा उठा है। तस्वीरें सेकंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि गौशाला में तमाम चीज़ें जो है, जो पशु को चाहिए वो तमाम चीज़ें या फिर तमाम सुविधाएं जो है वो मुहैया कराने के लिए जब से गौशाला का जीर्णोद्धारण के लिए पहल की गई है तब से लेकर अब तक लगातार काम जो है वो चलता आ रहा है। काम बिल्कुल ही रुक नहीं रहा है, लगातार काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। मास्कर के बात कर ले, भीषण गर्मी का वक्त है और कई जगह पर पानी का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है, जिसके वजह से आम आदमी को परेशानी हो रही है। पशु तो दूर की बात है, लेकिन गौशाला में इतने ही ज़्यादा भीषण गर्मी होने के बाद भी आप स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से पशु जो है उनको इधर उधर भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। एक नल चालू करने भर की देर है और तमाम जितने भी शेड है उसके अंदर पानी जो है वो पशु तक पहुंच जाएंगे, ऐसा यहां पर जो है माध्यम बनाया गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सोनू बर्णवाल मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि लगभग 8 महीना हो चुके हैं और गौशाला का काम जो है बिल्कुल रुक नहीं रहा है, लगातार काम जो है होता आ रहा है। हमने अब तक की जो अपडेट दिखाई थी, आज से विगत कुछ महीने पहले हमने यहाँ की खबरें चलाई थी, तब तक 2 शेड जो है वो निर्माण कार्य उसका हो चुका था और बनकर तैयार हो चुका था। अब एक और 1 या 2 नए शेड और भी बनकर तैयार हो रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। सोनू जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नेशन न्यूज़ की ओर से। लगातार आपने कड़ी मशक्क़त के बाद जो है गौशाला को अंततः जो है पूर्ण रूप से तैयार करने में आप सफल हो रहे हैं। हम नेशन न्यूज़ की टीम के साथ साथ आपको भी धन्यवाद देते हैं जो आपने लगातार श्री कृष्ण गौशाला का कवरेज कर इसकी ऊँचाइयों पर आपका भी जो है श्रेय जाता है। चूँकि मीडिया नहीं होते तो शायद श्री कृष्ण गौशाला इतनी ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाता। अच्छा, हमने जब तक कवरेज दिखाया था, जो हमारा लास्ट अपडेट था उसके अनुसार 2 यहाँ पर सेट बनकर तैयार हुए थे, अभी क्या अपडेट है और क्या कुछ है? देखिए, अभी एक नया सेट बन रहा है जिसमें श्री आईपी गुप्ता जी ने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया था एक नए सेट के लिए, लेकिन उस सेट में लगभग 2,00,000 का खर्च आया है। हमारी आईपी गुप्ता जी से बात हो रही है, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि जो शेष रकम है वो मैं बहुत जल्द श्री कृष्ण गौशाला के अकाउंट में ट्रांसफ़र करूंगा। आप देख सकते हैं वो शेड जो है लगभग 1700 स्क्वायर फीट का नया शेड लगभग बनकर तैयार है, प्लास्टरा का काम चालू है। अच्छा, वो लोहा का शेड नहीं है? नहीं, वो लोहा का नहीं है, वो बिल्कुल ढलैया युक्त है और इसमें भी लगभग हमारे 18 गायें इसमें आ जाएगी और अभी फिलहाल जो है 68 गायें, 22 गौवंश और 1 नंदी, कुल 91 गायें इस गौशाला में, गौशाला का जो है शोभा बढ़ा रही है। और झाझा ही नहीं, झाझा से बाहर अन्य राज्यों से भी इस गौशाला को बढ़ाने में सभी लोग अपना योगदान भरपूर मात्रा में दे रहे हैं। कुछ काम और गौशाला का बच गया है, सबसे पहले तो जो है श्री कृष्ण गौशाला का चुनाव होना है। हम आपके चैनल के माध्यम से SDO साहब से भी निवेदन करेंगे कि इस गौशाला का जल्द से जल्द चुनाव करा दें ताकि श्री कृष्ण गौशाला अच्छे ढंग से चल सके और इसमें जो फंड आना है सरकारी फंड, बिना चुनाव के सरकारी फंड आ नहीं सकता है,
चुनाव हो जाने के बाद सरकारी फंड आने से गौशाला और चमकता नजर आएगा। अच्छा, पहले जब थाना अध्यक्ष थे राजेश शरण, तब तो लगातार वो जब तक रहे तब तक आते रहते थे, लेकिन अब क्या कुछ? पूर्व थाना अध्यक्ष श्री राजेश शरण जी जब थे तो हम लोगों का भी हौसला पूरा बुलंद था। वो सहयोग करते भी थे और करवाते भी थे। वक्त को वक्त वो सप्ताह में 3 दिन 4 दिन पूरी टीम के साथ आते थे, गायों की सेवा भी करते थे, गायों को अपने हाथ से रोटी भी खिलाते थे। हम तो श्री कृष्ण गौशाला कमेटी से एक निवेदन भी करेंगे कि श्री राजेश शरण जी जो पूर्व थाना अध्यक्ष झाझा के थे, उनका नाम सुनहरे अक्षरों से श्री कृष्ण गौशाला में लिखा जाए। क्योंकि गौशाला हमारा 26 वर्षों से बंद था, उनके झाझा में आने से हमारा श्री कृष्ण गौशाला भी गुलजार हुआ है। और अभी वर्तमान जो थाना अध्यक्ष हैं श्री संजय सिंह जी, उनसे भी हमने निवेदन कई बार किया है कि सर आप एक बार जरूर आएं श्री कृष्ण गौशाला, यहाँ शांति बहुत है। जब आप आएंगे, किसी तरह की बेचैनी है तो आपको यहाँ शांति मिलेगी। इसी बहाने गाय का सेवा भी हो जाएगा और गौशाला में ये भी कहने के होगा कि जो भी थाना प्रभारी झाझा आएंगे उन्हें गौशाला में आकर अपना कुछ सहयोग देना चाहिए। अच्छा, पहले की अपेक्षा सोनू जी हुआ है कि नहीं? वजन गौशाला, देखिए गौशाला को आगे जैसे जैसे आप सोचेंगे कि बढ़े, वजन आपका बढ़ेगा। चूंकि गौशाला में खर्च बहुत है, 91 गायें जहाँ हो, घर में 2 गायें रहती है तो पूरा परिवार उसमें परेशान रहता है। यहाँ तो 91 गायें हैं और हमारी टीम, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम जो है सुबह 4:45 गौशाला आ जाती है और 6:30 91 गाय 91 गायें को अपने हाथों से भोजन कराकर अपने अपने घर वापस जाती है। पूरा शरीर इस गर्मी में पूरा भींग जाता है, पसीना से लथपथ हो जाता है, फिर भी वो बहुत खुश नजर आते हैं। जब यहाँ से निकलते हैं तो हंसते खेलते हुए घर जाते हैं और कहते हैं कि आज बड़ा सुकून मिला। हमारे साथ इस वक्त सोनू बनवाल मौजूद है और सहयोगी के माध्यम से जाएंगे कि ये तस्वीर आपको एक बार दिखा दे कि ये जो शेड देख पा रहे हैं आप इस वक्त, जो सीमेंट का शेड बनाया जा रहा है, पूरी तरीके से ढलैया युक्त शेड है। और कहीं ना कहीं ये सोचकर ये सेट को बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में जो भी लोग यहाँ पर है या फिर जो भी पदाधिकारी रहे, उनको कभी भी किसी भी प्रकार की जिद्दोजहद करने की नौबत ना आए। अगर सोनू बनवाल के मन में किसी भी प्रकार की कोई भावना होती तो आज ये गौशाला खंडहर से ये भवन का निर्माण होता आपको नहीं दिखाई देता। हाँ, हम बीच बीच में ये कवरेज आपको दिखाने का या फिर अपडेट देने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि घर में बैठे कुछ लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है या फिर अपने मस्तिष्क को बाध्य करना पड़ता है कि गौशाला में क्या कुछ हो रहा है। या फिर कुछ कुछ लोग कभी कभी हम भी सुनते हैं कि चर्चाओं में आती है सोनू बनवाल को लेकर, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा जवाब है और ये कवरेज भी बहुत बड़ा जवाब है कि आप देख लीजिए अच्छे तरीके से अपने दोनों नेत्र को, दोनों नयन को खोलकर कि गौशाला आज खंडहर से किस जगह पर पहुँच चुका है। और आजकल तो एक माँ घर में रहती है तो उसको पालना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर 90-91 अगर माएँ हैं और यदि कोई धरती पुत्र उसको पाल रहे हैं तो ये आपके मुंह पर सबसे बड़ा करारा जवाब है। आप किसी का विरोध ना करके इस गौशाला में अपना जो सेवा है, अपना जो भाव है, वो यहाँ पर अपना प्रदर्शित करने का काम करें, तो हमें लगता है ये इससे बेहतर उदाहरण मानवीय पहल के लिए कुछ और नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण गौशाला झाझा से अपने सहयोगी देवेंद्र कुमार के साथ कुमार हर्ष की ब्यूरो रिपोर्ट।